ये जिन शासन हमारे तक पहुंचा, हमें जिन शासन की प्राप्ति हुई, हमें जिन शासन प्राप्त हुआ, हमें इतनी सारी चीजें बड़ी आसानी से मिल गई, उसके पीछे यदि महत्वपूर्ण योगदान यदि किसी का है तो गुरु परंपरा का है। आज जब गुरु परंपरा की बात चल रही है तब मैं निश्चित तौर पर आपसे कहना चाहता हूं, एक बार बैठकर मात्र सोचिएगा, यदि गुरु परंपरा न होती, यदि श्रवण परंपरा न होती, यदि साधुओं की परंपरा न होती तो हम कहां होते। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, तीन बहुमूल्य जिम्मेदारियां गुरु परंपरा ने संभाली है, तभी हम बच पाए। ये छोटी मोटी बात नहीं है। 2550 वर्ष के बाद भी ये जिन शासन हमारे पास है, ये जिन शासन का अद्भुत और अमूल्य योगदान हमारे पास है, ये जिन शासन की अद्भुत ताकत हमारे पास है, 2550 साल के बाद भी इतनी सारी चीजें हमारे पास होनी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, समझ लेना। बहुत बड़ा योगदान ये श्रवण परंपरा ने दिया है, ये गुरु परंपरा ने दिया है, ये साधु परंपरा ने दिया है। श्रवणी परंपरा सहायक बनी, श्रावक परंपरा सहायक बनी, श्राविका परंपरा सहायक बनी, लेकिन लीड रोल यदि किसी ने संभाला हो, मेन रोल में यदि कोई आए हो, निश्चित तौर पर वो हमारे श्रवण भगवंत थे, वो हमारी गुरु परंपरा थी। और एक बार बैठकर सोचिएगा, यदि ये गुरु परंपरा हमारे पास न होती तो हमारा क्या होता, गुरु परंपरा हमें न मिलती तो हमारा क्या होता। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तीन महत्वपूर्ण चीजें हमारे तक पहुंचाने में यदि किसी का बहुमूल्य योगदान है तो वो गुरुओं का है। सबसे पहले नंबर में ज्ञान की परंपरा। हम तक ज्ञान की परंपरा किसने पहुंचाई, कौन हमें ज्ञान दे रहा था। 2550 साल के बाद भी परमात्मा कौन से तीन शब्दों का उच्चारण करके गए थे, उपनेवा विगिमेवा धुवेवा, आज वो हमारे पास है बिकॉज ऑफ गुरु परंपरा। वो श्रवणों की परंपरा, पहले तो ऐसी आचार मर्यादा थी, कोई लिखा ही नहीं जाता था, कोई पढ़ाई नहीं जाता था, कंठस्थ करवाया जाता था, एक के बाद एक सूत्र कंठस्थ करवाए जाते थे। जितना ज्ञान गुरु देते थे शिष्य उतना ज्ञान पूरा का पूरा कंठस्थ कर लेते थे, हृदयस्थ कर लेते थे, वो अपने शिष्य को देते थे, ऐसी परंपरा चलती थी। और यदि उसमें हम कहीं चूक जाते तो आज हमारे पास ज्ञान न होता। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में ये जिन शासन में ज्ञान की परंपरा को चलाने वाला कोई है तो वो हमारे श्रवण भगवंत है, वो हमारे साधु भगवंत है, वो हमारी गुरु परंपरा। कहा दूसरे नंबर में धर्म की परंपरा किसने चलाई। ये जो धर्म अविच्छिन्न रूप से आप तक पहुंचा है, आपको प्राप्त हुआ है, आपको मिला है, उसके पीछे यदि किसी का महत्वपूर्ण योगदान है तो वो गुरुओं का है। उन्होंने अपना बलिदान दिया, जहां जहां जरूरत पड़ी वहां वहां अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो गए, अपनी सब चीजों को बाजू में रख के धर्म की रक्षा पहले करी, क्योंकि हमारे यहां सिखाया गया कि धर्मो रक्षति रक्षित। गुरु परंपरा यदि धर्म की रक्षा न करते तो क्या होता, तो धर्म हमें प्राप्त न होता, धर्म हमें मिलता नहीं, धर्म से हम वंचित रह जाते। जो धर्म हमें प्राप्त हुआ है, ये धर्म की परंपरा हमें प्राप्त हुई है, और मैं तो कहता हूं 2550 साल से नहीं, हमें तो आदिनाथ परमात्मा के समय से देखना चाहिए, वहां से लगातार अनेक गुरु भगवंत हमारे पर उपकार करते रहे, अनेक श्रवण भगवंत हमारे ऊपर उपकार करते रहे, हमें धर्म का मार्ग बताते रहे, हमें आराधना साधनाओं में जोड़ते रहे। और एक बार तो सोचो, यदि गुरु न होते तो हमें आराधना साधना में कौन जोड़ता, कौन हमें तपत्याग में जोड़ता, कौन हमें धर्म आराधना करवाता। जाकर के देखो उसके जीवन को, जिसके जीवन में कोई गुरु नहीं है, जिसे कोई संत नहीं मिले है, जिसे कोई ऐसी उत्तम और अद्भुत परंपरा नहीं मिली है, उनको जाकर के देखो, आपको पता चलेगा कि उनका जीवन नरक बन गया है। हमें धर्म की उत्कृष्ट परंपरा मिली, उसके पीछे भी यदि किसी का योगदान है तो गुरुओं का योगदान है। और तीसरे नंबर में ज्ञान की जिम्मेदारी गुरु ने संभाली, धर्म को संभालने की जिम्मेदारी भी गुरुओं ने संभाली, और जिन शासन के योगक सेम की जिम्मेदारी भी गुरुओं ने संभाली। सारना वारना चोरना परिचोरना, किस तरह से किस एंगल से शासन को बचाया जाए। शासन के ऊपर जब आपत्ति आती है, शासन के ऊपर जब संकट आते हैं, शासन के ऊपर जब परेशानियां खड़ी होती है तो कौन खड़ा होता है, श्रवण परंपरा खड़ी होती है, गुरुदेव खड़े होते हैं, गुरु भगवंत खड़े होते हैं। संसारी व्यक्ति ज्यादा समय नहीं दे पाते क्योंकि उनके जीवन में व्यस्त रहते हैं।
ज्यादा योगदान नहीं दे पाते, ज्यादा नहीं संभाल पाते, लेकिन ये जिन शासन की परंपरा को 2550 साल से अविच्छिन्न रूप से हम तक पहुंचाने वाले यदि कोई है तो गुरु परंपरा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ज्ञान की परंपरा यदि किसी ने संभाली तो वो गुरुओं ने संभाली, धर्म की परंपरा यदि किसी ने संभाली तो गुरुओं ने संभाली, और योगक सेम की परंपरा यदि किसी ने संभाली तो वो गुरुओं ने संभाली। गुरुओं ने हमारा योगक्षेम किया, हमारा रक्षण किया, हमें संभाला, हमें बचाया। इसलिए हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब ने पंक्ति लिखी, हाँ आना हाँ कहम हुन तो जय न हुन तो जिनागम। कहा ये ज्ञान की परंपरा ना होती है, गुरुओं की परंपरा ना होती तो मैं कहा होता, मेरा जीवन कहा चल रहा होता, कहीं भोग में मैं पड़ा हुआ होता, ये योग के मार्ग पर आ नहीं सकता, योग के मार्ग पर प्रवेश नहीं कर सकता यदि गुरु की उत्कृष्ट परंपरा न मिलती। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, समझ लेना, कान खोलकर सुन लेना, यदि श्रवण परंपरा न होती तो हमारा क्या होता, एक बार बैठकर विचार कर लेना। यह श्रवण परंपरा ने हमें बहुत कुछ दिया है, और इसलिए आज श्रवण परंपरा की वंदना है, तो दो हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर सभी श्रवणों के चरणों में पावन वंदना कर लेना कि 2550 साल में और परमात्मा आदिनाथ से लगाकर अभी तक जितने भी श्रवणों ने यह परंपरा हम तक पहुंचाने का प्रयास किया, पुरुषार्थ किया, सभी के चरणों में हम भावपूर्वक वंदना करते हैं। और यदि यह श्रवण परंपरा न होती तो ज्ञान हमें न मिलता, यदि यह श्रवण परंपरा न होती तो धर्म हमारे तक नहीं पहुंचता, यदि यह श्रवण परंपरा न होती तो हमारा योगक्षेम कोई करने वाला न होता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं ये श्रवण परंपरा अद्भुत है, ये श्रवण परंपरा को जितनी वंदना की जाए उतनी कम है। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।